हाय फ्रेंड्स, मैं सोहम बेरा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईलिड ट्विचिंग। ट्विचिंग मीन्स कभी कभी आप लोग देखेंगे कि आपके ऊपर का जो पलक होता है ज़्यादातर ऊपर का ही होता है, नीचे का पलक बहुत ही कम होता है। ये कुछ भी एक कारण से ना खुद भी कांपने लगता है, तो ये एक रिपीटेड इनवॉलेंटरी स्पैज़म है। मतलब इसको आप खुद ही नहीं करते, ये खुद भी खुद होता है और इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में ये एक हल्का सा लगता है कि जेंटल कोई आपको मसल्स को थोड़ा खींच रहा है या उसके बाद छोड़ रहा है, ऐसे कुछ हल्का सा स्पाज़म टाइप का होता है। कभी कभी ये इतना भी ज़्यादा होता है कि आपको दोनों आँख का लिड भी बंद करना होता है, और ये जो कंडीशन है इसको हम ब्लेफरोस्पाज़म बोलते हैं। मगर नॉर्मली आईलिड ट्विचिंग जस्ट हल्का सा ऊपर का या कोई भी एक आँख का ब्लिंक होने का होता है। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि दाएं आँख में हो रहा है तो शायद किसी को बहुत पैसा आएगा, बाएं आँख में हो रहा है तो पैसा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अंधविश्वास है। जनरली ये कोई भी आँख में हो सकता है, ज़्यादातर ऊपर के लिड्स में ही होते हैं, नीचे के लिड्स में ये कम होता है। ये जो होता है ना ये कुछ भी सेकेंड्स या मिनट के लिए होता है और ये अनप्रेडिक्टेबल है। अभी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, कल इस टाइम हुआ था, दो दिन बाद उस टाइम पे हो रहा है, ये कुछ दिन के बाद भी हो सकता है और कभी कभी ये कुछ हफ्ता या कुछ महीने के बाद भी ये हो सकता है। ये जो ट्विचेस है ये जनरली पेनलेस है और हार्मलेस, मतलब इससे आपको कोई पेन वगैरह नहीं होगा, हार्मफुल भी नहीं है। बट ये इसको ये आपको बॉदर करेगा क्योंकि आप कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको ऐसे ट्विचिंग होने से ना आपको दिक्कत होता है। किसी की तरफ देख के बात कर रहे हैं या कहीं कहीं भी बात कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो आपको इससे मतलब खुद एक प्रॉब्लम हो सकता है। ये खुद ही रिजल्व होता जाता है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ हद तक ये एक साइन होता है कि अर्ली क्रॉनिक मूवमेंट डिसऑर्डर का एक साइन होता है। अगर ये साइन होता है और अगर आपको इस आईलिड ट्विचेस के साथ कोई फेशियल मसल्स भी ट्विचेस वगैरह कुछ ऐसा थ्रॉबिंग वगैरह कुछ हो रहा है तो एक अनकंट्रोलेबल मूवमेंट अगर हो रहा है तो आपको ये और भी कुछ साइन दिखा सकते हैं। तो एक दो बार हुआ, सप्ताह में एक बार हुआ, महीना में एक बार हुआ, कोई टेंशन नहीं है, मगर लगातार होते जा रहा है और ये बढ़ते ही जा रहा है तो आपको सोचना चाहिए। देखिए एक्चुअली आईलिड ट्विचिंग का कॉज क्या है। एक्चुअली एक आई ये जो ट्विचिंग होता है इसका कोई आइडेंटिफाइबल कॉज अभी तक नहीं है। एक रेयर साइन है एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम की, कभी इसको लेके कभी कोई इन्वेस्टिगेशन अभी कुछ जरूरी नहीं है, मगर ये अगर खराब होता जा रहा है तो आपको कुछ देखना चाहिए। पहले तो देखना चाहिए कि कोई आपको आई में इरिटेशन हो रहा है कि नहीं, कोई आईलिड में स्ट्रेन हो रहा है कि नहीं, फैटिक, आपने ज़्यादा समय सो नहीं पाए, फिजिकल एग्जर्शन हो गया आपका बहुत कम करना पड़ा, कोई मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, और यूज ऑफ अल्कोहल, टोबैको और कैफीन, मतलब अल्कोहल मतलब मदिरा स्मोकिंग करना या कैफीन, ये जो ब्लिंकिंग और ट्विचिंग जो हो रहा है अनकंट्रोलेबल, ये अगर बिनाइन कभी कभी ज़्यादा हो रहा है, ये क्रॉनिक हो गया, तो इसको हम बिनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज़म भी बोल सकते हैं। और ये क्रॉनिक और अनकंट्रोलेबल विंकिंग और ब्लिंकिंग है। ये कंडीशन जनरली दोनों आँख में इफेक्ट करता है, मगर इसका एग्जैक्ट जो कॉज है ये अभी तक अननोन है कि क्यों होता है, मगर ये वो कभी कभी बहुत ही खराब हो जाता है। मगर ये कुछ छोटा छोटा कारण से हो सकता है। एक तो हो सकता है ब्लेफराइटिस, जो इन्फ्लामेशन होता है आईलिड के बाहर, कंजंक्टिवाइटिस जो कंजंक्टिवा में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो सकता है, ड्राई आईज अगर है, एनवायरमेंट इरिटेशन जैसे हवा आ रहा है, लाइट आ रहा है और एयर से पोल्यूटेड एयर हो रहा है, फैटिग हो सकता है एक कारण, लाइट सेंसिटिविटी हो सकता है, बहुत स्ट्रेस होता है, टू मच अल्कोहल और कैफीन और स्मोकिंग भी हो सकता है। बिनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज़म जो है ये बहुत ही कॉमन है फीमेल पेशेंट से, फीमेल पेशेंट को ये ज्यादा होता है। अभी आइए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईलिड ट्विचेस।
ये बहुत ही कम होता है। आईलिड स्पाज़म जो सिम्टम्स होता है ये बहुत ही सीरियस हो जाता है अगर ब्रेन और नर्व में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है। क्योंकि ये जो सीरियस कंडीशन है, अगर सीरियस कंडीशन में चले जाता है, ये एक ही कारण से नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी लेके ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो कर चुके हैं। ये कंडीशन है जहाँ पे सेवेंथ नर्व जो है, फेशियल नर्व जो है, इसके कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ होने से ये क्लॉक्ड होके ये इम्पल्स ठीक ठाक भेज नहीं पाता, इसके वजह से हो सकता है। डिस्टोनिया की वजह से हो सकता है। ये डिस्टोनिया क्या है? अनएक्सपेक्टेड मसल स्पैज़म, जो कोई भी बॉडी पार्ट को मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं। सर्वाइकल डिस्टोनिया और स्पाज़मोटिक बोलते हैं हम लोग। ये क्या होता है, जो नेक होता है, रैंडमली नेक में स्पाज़म हो सकता है और ये एक ट्विस्ट होता है, एक अनकंफर्टेबल पोजिशन से भी तैयारी कर मतलब तैयार कर देते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज होता है जिसके नर्व में होता है। ये एक कॉग्निटिव मूवमेंट प्रॉब्लम है, ये फैटिक से भी हो सकता है। और एक्चुअली क्या होता है, ये ब्रेन में कुछ पॉकेट्स से जैसे होता है। फोर्थ इसके बाद आएंगे हम लोग पार्किंसंस डिजीज में, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, लिम्स मसल्स जो होता है ना, ये ट्रिम्बलिंग होता है। और पार्किंसंस डिजीज में स्पीकिंग की भी प्रॉब्लम कम हो जाता है। और टॉरिक सिंड्रोम्स है जो क्या होता है, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ वर्बल टिक्स का। कभी कभी अगर कॉर्निया में कुछ स्क्रैचेस या एब्रेशन हो, इससे भी आईलिड ट्विच हो सकता है, कोई आई इंजरी हो, तो आपको तुरंत किसी ना किसी कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए। क्योंकि कॉर्नियल स्क्रैचेस या कॉर्नियल एब्रेशन कैन लीड टू सीवियर विजन प्रॉब्लम, एंड मतलब आपको इस आप इससे ब्लाइंड भी हो सकते हो। गोइंग टू आईलिड ट्विचेस रिक्वायर अ विजिट टू द डॉक्टर। आईलिड ट्विचेस देखिए इतना सीरियस नहीं है और इतना इमरजेंसी भी नहीं है। हाउएवर जब ये क्रॉनिक हो जाता है, मतलब ये होता ही रहता है और ये कम नहीं हो रहा है, ये ज़्यादातर बढ़ता ही जा रहा है, तो ये एक ब्रेन का कोई लीशंस या कोई डिजीज या नर्वस सिस्टम का कोई डिसऑर्डर भी आपको बता सकते हैं। तो तब आपको कोई ना कोई आई स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट दिखा लेना चाहिए। कुछ सिम्टम्स आपको बोलेंगे कि ये सोचे कि आपका आँख लाल हो गया, स्वेलिंग हो गया, कुछ की चीज ऐसे मतलब अनयूजुअल कुछ डिस्चार्ज हो रहा है। ये अगर आपका जो आईलिड है, ये जब आपका आईलिड का अगर आपका आईलिड पूरा पूरी बंद हो जा रहा है, जब ट्विचिंग हो रहा है, मतलब जब थ्रबिंग हो रहा है तो पूरा बंद हो रहा है, जब ये ट्विचिंग हो रहा है और ये लगातार ही चलते जा रहा है, ये जो ट्विचिंग हो रहा है ये अदर पार्ट्स को भी इफेक्ट कर, मतलब ट्विचिंग तो यहाँ पे हो रहा था, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ थ्रबिंग हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, या यहाँ पे कुछ थ्रबिंग हो रहा है, ये अगर ऐसे कर रहा है तो तुरंत आपको कोई ना कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है। अभी हम लोग आएंगे कि हाउ आर आईलिड ट्विचेस ट्रीटेड। आईलिड ट्विच स्पाज़म जो होता है ये ज्यादातर कोई ट्रीटमेंट छोड़ के ही चले जाते हैं, कोई हफ्ता में, कई महीने में। कभी कभी ये अगर नहीं जाता है तो आपको ये जो कॉज क्या है, पोटेंशियल कॉज क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा जो कॉज है इसका, वो है स्ट्रेस, फैटिक एंड कैफीन, मतलब कॉफी, कैफीन और चाय, ये जो चीज है ये ज्यादा लेगा, और स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है, पहले तो कैफीन टाइप का कोई भी चीज उसको जितना कम हो सके खाइए, जितना हो सके 7 से 8 घंटे या 9 घंटा सोने की कोशिश कीजिए। आपके आंख में कोई आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप दे सकते हैं, आप हल्का सा एक वार्म कंप्रेस कर सकते हैं आपके आंख के ऊपर, तो ये स्पाज़म जो है ये हटाने के लिए।